नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंचल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में फिर से आप एक नए फ्रेश टेक्स्ट और वर्ड्स को देखने वाले। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो आपके मन में जो प्रश्न होते हैं इंग्लिश को लेकर, कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं और कैसे पढ़ने में कोई क्या क्या दिक्कत होती है, उन सब पे बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझिए इस बात को कि इंग्लिश पढ़ना कितना आसान है। दोस्तों, इस वीडियो में जो है आप देखते हैं 11 लिटरल वर्ड जो है, जो कि ओ से शुरू होता है, वो देखेंगे। साथ ही टेक्स्ट रहता है, वर्ड तो सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स को देखते हैं, और जिनको भी इंग्लिश नहीं आता वो यहाँ से इंग्लिश यानी हिंदी के भाषा में जो भी भाषा बोलते हैं उसमें आप एक एक वर्ड को जोड़ते जाएं। जैसे वर्ड पहला है जेडेड। जेडेड का अर्थ होता है थका हुआ, निकम्मा, है ना। निकम्मा मतलब कि कामचोर कह सकते तरह से, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कि थका हुआ है और निकम्मा भी है, जेडेड। नेक्स्ट वर्ड जो है सो क्वीजी। क्वीजी, क्वीजी मीन्स तुनक मिजाज। क्या? तुनक मिजाज को क्वीजी कहेंगे, क्वीजी। अब तुनक मिजाज क्या है आप समझ सकते हैं। फिर देखिए एनसीनेरेटेड। एनसीनेरेटेड, टेड, पूरी तरह जला हुआ को एनसीनेरेटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिकनसाइल। रिकनसाइल, झगड़ा निपटाना या मेल करा देना। झगड़ा को मतलब कि निपटाने का मतलब ये नहीं कि झगड़ा को बढ़ा देना, झगड़ा निपटाना, झगड़ा को मतलब कि समाप्त कराना या मेल करा देना, एक ही बात है रिकनसाइल। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकनसीलिएशन। रिकनसीलिएशन मतलब निपटारा या पुनर्मिल, मिलता जुलता वर्ड है रिकनसाइल और रिकनसीलिएशन। तो ये जो शब्द है हिंदी के जो आप देख रहे हैं ये वाला शब्द, उसका जो अंग्रेजी अगर याद रखते हैं तो इस हिंदी की जगह आप ये वाला इंग्लिश वर्ड जो है इस्तेमाल करके अपना प्रभाव दूसरे के सामने जमा सकते हैं। एक वर्ड लीजिए, जैसे बोलिए रिकनसीलिएशन, है ना, या जेडेड, क्वीजी, इंसिनरेटेड। तो वर्ड्स आपको बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं स्टैंडर्ड मिल रहा है। इन्वेंशन, इन्वेशन, इन्वेशंस का मतलब होता है, इन्वेशन मीन्स हमला या आक्रमण, इन्वेशन। और इसे याद रखना चाहिए आपको ताकि आगे बहुत सारे जो है प्रश्न आपके जब इंग्लिश में करते हैं या कहीं लिखा हुआ मिलता है तो आपको समझ में आएगा ये वर्ड्स। इसे सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि याद कर लीजिए, याद करेंगे तो आप इसका यूज भी करेंगे। और हिंदी में एक शब्द, जब हिंदी वाक्य बोलते हैं उसमें एक वर्ड ले लीजिए, जैसे इन्विजन। इन्विजन का मतलब होता है ध्यान करना, धारणा बनाना। इन्विजन मीन्स ध्यान करना, धारणा बनाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अप्लाउड। अप्लाउड मीन्स होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अप्लाउड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड जो है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मीन्स सनकी, हास्यास्पद, हास्यास्पद। कैप्रिशियस, सनकी या हास्यास्पद। नेक्स्ट वर्ड द डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का अर्थ होता है चिंता, व्यथा, चिंता, व्यथा, डिस्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड है कैप्सस। कैप्सस का अर्थ है दोष ढूंढने वाला, कैप्सस कहलाएगा, कैप्सस। नेक्स्ट वर्ड है सो इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप या बाधा। दोस्तों इसी तरह के वर्ड्स और वर्ड्स अधिक से अधिक आप याद करें, और याद करने के बाद जो है मतलब इसको हिंदी बोलचाल की भाषा, अपनी बोलचाल की भाषा में एक एक वर्ड को शामिल करें। तो ध्यान रखें, याद करें, याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर याद कर जाएंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगी इसका क्या, आप कितना अच्छा आपने काम किया है। अब चलिए जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता वो यहाँ पर एक्सरसरी नहीं, जैसे थोड़ी सी जो है थ्योरेटिकल बात को समझना होगा कि भाई अंग्रेजी आखिर है क्या, लोग इधर डरते क्यों। दोस्तों पहले कि आप भूल जाइए कि इंग्लिश कोई बहुत भारी है, भारी मतलब भारी बहुत हैवी लैंग्वेज कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, कठिन नहीं है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट होता है जिसमें 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 लेटर कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी,
डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए अल्फ़ाबेट के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है जो वॉवेल कहलाता है जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, दूसरा पार्ट जो है सो कॉन्सोनेंट कहलाता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। अब ये 5 और 21 मिलाकर 26 लेटर, जी हाँ दोस्तों 26 लेटर जो है अगर आप अच्छे तरह से, मतलब ये तो आता है उच्चारण करना है, इसका वर्ड मीनिंग में जो एक्चुअल उच्चारण है, इसे ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, ये वाला जो कि आगे स्लाइड में आप देखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये करना होगा, साथ ही है कि जो अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो 64 पार्ट्स वर्ड, अलग से ये याद करना होगा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे ही आप पढ़ेंगे, जो कि तीन तरह का है। पहला जो है तो अगर बात करते हैं प्रीफिक्स पार्ट होता है, यानी किसी वर्ड मीनिंग के शुरू में आता है, जिसको प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं। दूसरा जो है वो होता है डिराइव्ड, जो कि किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है सफिक्स, सफिक्स जो होता है किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। तो आप इसका भी एग्जांपल देखेंगे 64 पार्ट वर्ड में, अगर इनको याद कर लेते हैं तो इंग्लिश तेजी से पढ़ना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट और वॉवेल को जान लेते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट एक सरसरी नज़र से ही देखेंगे कि एक संख्या है 21, उच्चारण करने का तरीका है 41, ठीक है। तो ये जो है सो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको दिया है स्क्रीनशॉट, जैसे भी याद कीजिए, जी हाँ याद करेंगे तभी इंग्लिश तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में एक बार याद हो जाए, उसका यूज़ करना सीख जाए तो समस्या सारा जो है समाप्त हो जाने वाला है। दूसरा जो है सो वॉवेल, जिसकी संख्या है 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27, तो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए जैसे ए को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, डबल ओ को क्या बोलते हैं। तो ए को दोस्तों अ आ ए ऐ बोलते हैं, ई को अ आ ई ई ए, आई को अ आ ई आई, ओ को अ आ उ ओ, यू को अ आ उ ई यू, डबल ओ को अ आ ओ उ ओ उ ओ। ये इसलिए क्योंकि जब भी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो इससे बाहर नहीं होता, कोई भी वर्ड बिना वॉवेल के बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो बिना वॉवेल के बनने वाला नहीं है, तो वर्ड्स आप जो है अच्छे से वर्ड्स को ध्यान देकर अच्छे से देखिए कि भाई आखिर वर्ड्स में जो वॉवेल आया है वो वॉवेल किस तरह से उच्चारित किया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर फ्लड की बात करूँ, देखिए तीन वर्ड है डबल ओ वाला के चर्चा ही करते हैं, यहाँ भी डबल ओ है, यहाँ भी डबल ओ, यहाँ भी डबल ओ है, सेम जगह है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर जो है ऊ उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर जो है ओ उच्चारण है। कैसे, इसको फ्लड पढ़ते हैं, फ्लड फ्लड तो आ आया, इसको बोलते हैं रूम तो ऊ आया ऊ, इसको बोलते हैं फ्लो तो फ्लोर ओ आया। तो इसी तरह सारे के सारे वर्ड्स में ऐसे ही है, आपको बस शुरू में समझना होगा, थोड़ा समय लगता है लेकिन बाद में आप तेजी से समझने लगेंगे कि भाई आखिर इजी है, इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इन वॉवेल्स पे ध्यान रखना है कि किस तरह से किसी वर्ड में आता है, तभी तो लाखों वर्ड अलग अलग तरह से उच्चारण होते हैं। अब देखिए एक सरसरी नज़र से जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, इसमें ये याद करना है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मत बता दो टी या इनको सन बोलते हैं, अब यही सन यहाँ आ गया, ठीक है। तो इससे पता चला ना कि भाई ये पार्ट्स है ना, ये क्या है, सफिक्स पार्ट है, यहाँ सफिक्स पार्ट है, यहाँ सफिक्स पार्ट है, यहाँ सफिक्स पार्ट है। देखिए पी आर प्रो है, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। तो इजी हो जाएगा, आधा तो आप पढ़ ही लेंगे, आधा दिमाग से आप लग ही जाएंगे क्या है सभी में। तो ये इधर है चाहे इधर हो, आप 60 पहले से याद कर लिए, एग्जाम्पल्स एक एक खाया दिया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसको भी देख लेना है। तो ये जो दो तीन स्लाइड में सबको अच्छे से याद कीजिए, याद कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश पढ़ने में, तेज़ी से पढ़ेंगे, यहाँ तक कि इंग्लिश वर्ड्स भी अच्छे लिख पाएंगे। जैसे देखिए अभी एक वर्ड है प्रो, यहाँ देखिए क्योर, यहाँ देखिए मेंट, तो क्योर तो है ही यहाँ पर, प्रो पिछले साइड में था, यहाँ मेंट भी है, ई एन टी को एंड बोलते हैं, अगर एंट के पहले, अगर एंट के पहले अगर एम लगा देंगे तो मेंट नहीं होगा क्या। तो आपको बस क्या करना है, इसे याद कर लेना, याद जैसे ही करेंगे तो आपको ना सिर्फ पढ़ना आएगा बल्कि लिखने भी आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखिए, फिर भी हमारे वीडियो तक अगर अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, होता क्या है कि वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है फिर मिलता नहीं है, तो इसके लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए,
तो आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। एक वीडियो देखिएगा उससे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। एक कॉपी जरूर बना लीजिए जिससे कि आप हमारे वीडियो पर निर्भरता कम, और दोस्तों कॉपी पे लिखते जी हाँ लिखेंगे तो लिखने आएगा, पढ़ेंगे तो पढ़ने आएगा, ठीक है। अगर लिखते लिख लिख के बोलेंगे तो बोलने भी आ जाएगा, सब कुछ सीखेंगे। विदेश से हमने तो ग्रामर्स की बुक लेना मतलब डिक्शनरी खरीदना है। दोस्तों आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहे, कम से कम 10 दिन बने रहे और हमारी बातों को फॉलो करें, पूरे प्रीवियस वीडियो को देखते रहें। चलिए अब वर्ड जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़ें। यहाँ ओवर सभी में मिलेगा, तीनों साइड में ओवर मिलेगा। तो ओवर जो है ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, तो ओवर ओवर डायरेक्ट, ओवर डायरेक्ट पढ़ते रहेंगे ओवर डायरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर डोजेज, डोजेज ओवर डोजेज। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ड्राउट, ड्राउट ओवर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग। नेक्स्ट है ओवर ड्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर ड्रेसेस। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ड्राइविंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर डविंग। नेक्स्ट है ओवर डस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट है ओवर ईगरली। नेक्स्ट है ओवर अर्नेस्ट। ओवर एडिटिंग, एडिटिंग ओवर एडुकेट। ओवर रिमोटिंग, ओवर रिमोटिंग है ना, ओवर एंजॉयड, ओवर एक्साइटेड है ना। वर्ड्स देखिए कितना इजी है वर्ड्स, तो थोड़ा सा समझ बूझ कर आप अच्छे से पढ़ना सीखिए। उसके बाद देखिए ओवर एक्साइटेड के बाद देखिए ओवर एक्साइट्स, ओवर एक्साइट्स ओवर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड ओवर एक्सपैंड्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एक्सप्लेन, ओवर एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट है ओवर एक्सपोज्ड, ओवर एक्सपोज्ड। पहला स्लाइड था, इसी तरह हमारे साथ लगातार बने रहे हैं, तीन स्लाइड तक कम से कम जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे इतना तो पढ़ ही लेंगे। 11 लेटर का वर्ड है ना ओवर एक्सपोजेज, ओवर एक्सप्रेस है ना, ओवर एक्सप्रेस, ओवर एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, ओवर ओवर फॉलिंग, ओवर फॉलिंग, ओवर फैटिक। ओवर फैटिक के बाद है ओवर फेवर्ड, ओवर फेवर्ड के बाद ओवर फियरिंग, फियरिंग, ओवर फीडिंग, ओवर फीडिंग के बाद ओवर फीलिंग है ना, ओवर फीलिंग, यहाँ पर फी कर देना है फीलिंग, ओवर फिशिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर फ्लैटर, फ्लैटर। नेक्स्ट देखिए ओवर फ्लैटर के बाद ओवर फ्लाइट्स, ओवर फ्लडेड, फ्लड था फ्लडेड, ओवर फ्लोइंग, ओवर फ्लसेस, फ्लस फ्लसेस, ओवर फोकस्ड, ओवर फोकसेस, ओवर फोल्डिंग, ओवर फॉरवर्ड, ओवर फ्राउड है ना, जैसे ड्राउट तो फ्राउड, ओवर फ्रीडम, ओवर फ्राइट। तो इसको भी अच्छे से पढ़िए, रिपीट कीजिए, अगर जो आता है पढ़ने तो लिखना सीखिए। ओवर फुलफिल, फुलफिल, ओवर फुलनेस, ओवर फंडिंग, ओवर गॉलिंग, ओवर गैंगिंग, ओवर गारमेंट, ओवर गियरिंग, ओवर गेटिंग है ना, ओवर गिल्डिंग। नेक्स्ट जो है ओवर गर्डिंग, गर्डिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर ग्लैंस्ड, ओवर ग्लैंस्ड, ओवर ग्लैंसेस, ओवर ग्लैंसेस के बाद ओवर ग्लेजिंग, ग्लेजिंग, ओवर ग्लूम्ड, ओवर गोर्डिंग। नेक्स्ट ओवर गॉजिंग, ओवर गवर्न्स, ओवर ग्रैडिंग, ओवर ग्रैंड, ओवर ग्रेनर, ओवर ग्रास्ड, ओवर ग्रासेस है ना, ओवर ग्रासेस। दोस्तों ये जो वर्ड्स है इसको अच्छे से बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है कह सकते हैं कि अगर याद करते हैं तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि रोज़ मैं वर्ड्स बदल रहा हूँ तो इसका बेनिफिट्स आप उठाते रहें, बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट जो है आया है एनसीईआरटी की 10th क्लास का बुक है, उससे मैंने लिया है, रोज़ टेक्स्ट मैं बदलते रहता हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से टेक्स्ट नहीं मिलता तो किसी एक टेक्स्ट पर फोकस करते हुए आप समझते हैं, अगर हमारी बातों को
कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, तो आप भी इसी तरह से करके सीख सकते हैं, है ना। जैसे रिपीटेशन करके 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को यूज़ करके, जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि देखिए, जैसे यहाँ सन है तो टी एन सन यहाँ पर आ गया है ना, पी आर ओ प्रो यहाँ आ गया है, यहाँ भी तो सन आया है, तो ये सन या ये सन अलग थोड़ी है, एक ही है, यानी कि रिपीट हो रहा है। इससे यहाँ भी देखिए, यहाँ प्रोडक्शन सिचुएशन, अब यहाँ देखिए कल्टीवेशन में भी सन आया, तो मैंने तो नहीं लिखा, अलग अलग वर्ड भी है। तो ऐसे ही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जब याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी शीघ्रता से आपको सफलता मिले, चाहे आप कहीं से हो, अगर हमारी बातों को समझ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस तरह से करना होगा। चलिए पढ़ कर देखते हैं दोस्तों, जिनको नहीं आता हमारे साथ देखिए कैसे क्या क्या, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ बचाव करना है। इन दिस केस, अब देखिए नाम हिंदी का, अंग्रेजी किया हुआ नाम, सलीम ऑप्टेंस क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल, ये कॉल बोलते हैं टी लगा तो टल हो गया, कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंपीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज, इसको जहाँ बोलते हैं हिज अर्निंग्स क्रेडिट देयर फोर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव टिप, भी एक पार्टी होता है रोल इन दिस सिचुएशन, ये पार्ट है सन भी पार्ट, सिचुएशन स्वप्न प्रॉब्लम्स स्वप्ना है ना, स्वप्नास प्रॉब्लम स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड ground है ना, GROUND ग्राउंड नट ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड, सी टेक ये टी हटा दी, सी टेक द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशंस होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड, अगर ये W के जगह अगर C लिख देते हैं तो कुड आता, अगर ऐसा चलिए तो सूट जाता, तीन ही वर्ड बनता है वुड से, ठीक है। हेल्प रीपे है ना, ए वाई को बोलते पीले का पे, रीपे द लोन, यहाँ देखिए W है तो वे हो गया, मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय द पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स, दो स्वप्न स्प्रेज हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव, देखिए पेस्टिसाइड्स, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, आर लगा तो रेंस हो गया डिफरेंस। दोस्तों इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहें, अगर आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो इंग्लिश पढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिए, वैसे लोगों से जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता ताकि वे भी कुछ सीख सकें, ठीक है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहेंगे, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।